बड़ी खबर आपको दे दें, शाम 6 बजे भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ सकती है। बड़ी खबर इस वक्त यह है, शाम 6 बजे बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट संभव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी दफ्तर में किया जा सकता है। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरफ ताबड़तोड़ रैली जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ शाम 6 बजे भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ सकती है। इस तरह की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। इस बीच कई ऐसे सांसद रहे जिनकी ओर से पहले ही संन्यास का ऐलान कर दिया गया। एक तरफ जयंत सिन्हा ने उन्होंने कहा कि मुझे दूसरे कामों में ज्यादा फोकस करना है, इस वजह से मैं अब राष्ट्रीय राजनीति में नहीं रहना चाहता, ट्वीट किया उन्होंने। गौतम गंभीर ने भी राजनीति से अपने आप को अलग रखने की बात कर ली है। इन सब के बीच शाम 6 बजे बीजेपी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की, किसका टिकट कटेगा, किसको टिकट मिलेगा, कितने नए चेहरे शामिल होंगे, दिग्गजों को रिपीट किया जाएगा या नहीं रिपीट किया जाएगा, आपको बताते चले। इसके पहले हम सब जानते हैं किस तरह से देर रात तक भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम लोग शामिल थे। और अब माना यह जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद, डेढ़ घंटे के बाद, 6 बजे बीजेपी की पहली लिस्ट लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आ सकती है। पौलमी साहब मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पौलमी, तो माना जा सकता है 6 बजे बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है? जी बिल्कुल, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें इस लिस्ट की अनाउंसमेंट होगी। पहली लिस्ट जो हमने कहा था, दो दिन पहले ही जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जो ऑफिशियल तौर पर 11 बजे रात के शुरू हुई थी और 3:30 बजे तक लगातार चलती रही। उस मीटिंग के बाद जो है करीबन 100 कैंडिडेट्स के नाम जो है फाइनलाइज हुए हैं और ये काफी अलग अलग स्टेट से है, क्योंकि मिक्स्ड एक लिस्ट होगी कंस्टिट्यूएंसी की, क्योंकि इसमें हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स तो रहेंगे, क्योंकि वो औपचारिकता है कि आप पहली लिस्ट की शुरुआत सबसे पहले और प्राइमरी कैंडिडेट से करें जो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स के बाद अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनके नामों के बाद जो है अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, तेलंगाना, इन सारी स्टेट से होंगे, क्योंकि इन स्टेट्स में माना जाता है बीजेपी जो फोकस रख रही है पहले लिस्ट में वो स्टेट्स है जहां पर इनकी कंस्टिट्यूएंसीज, उन कंस्टिट्यूएंसीज में जहां पर वो अपने आप को कमजोर मानती है, या तो वो पिछले इलेक्शन में 2019 में हारी थी कंस्टिट्यूएंसीज में, या फिर जो जीत हुई थी बहुत ही छोटे एक मार्जिन से हुई थी, कमजोर सीटों पर उनका पूरा जो फोकस रहेगा इस कैंडिडेट लिस्ट में रहेगा, ताकि जो कैंडिडेट्स अनाउंस हो उनके पास मॉडल कोड अनाउंस करने से पहले ही कैंपेन शुरू करने का टाइम मिल जाए उन्हें। 160 से ज्यादा ऐसी कमजोर सीटें हैं जहां पर बीजेपी हारी थी और वहां पर बीते 5 सालों से लगातार उसकी ओर से मेहनत की जा रही थी, तो क्या पहले उन सीटों का अनाउंसमेंट होगा? दिग्गजों में कौन कौन से चेहरे शामिल रहेंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिसका इंतजार हमें करना होगा। शाम 6 बजे भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस बड़ी खबर पर रहेगी आज तक की नजर।